हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे पास एक औरत आई तो मैंने उसे, उसके साथ दो बेटियां थी उसकी, मेरे पास तीन खजूरें थी, मैंने उस बीबी को दे दी, दो बेटियां थी। उस औरत ने क्या किया, मैं देख रही थी, मां थी ना और बेटियों की मां थी, उसने पहले एक एक खजूर दोनों बेटियों के मुंह में डाली और फिर जो खजूर उसके पास बच गई, मेरा ख्याल था ये खाएगी, लेकिन उस मां ने उस खजूर के दो टुकड़े किए और वो भी अपनी बेटियों के मुंह में डाले। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, उसका अमल इतना हसीन था, उस बीबी के इस अमल के अंदर इतना हुसन था कि मेरी आंखों में भी वो बात रह गई, दिल में भी रह गई, रूह में भी समा गई, उसके हुसन और तासीर को मैं भुला न सकी। शाम तक वो कैफियत, वो अंदाज, वो उस औरत का तर्ज, उसका वो अंदाज मेरी तबीयत के अंदर बार बार मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे करता रहा। शाम को महबूब तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को जब तशरीफ लाए तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मैंने बतलाया, मैंने कहा हुजूर बीबी आई थी, उसका चेहरा बता रहा था कि भूखी है, लग रहा था कई दिनों से खाना नहीं खाया, तीन खजूरें थी ही मेरे पास, तीन, दो बेटियों को दे दी, वो खा सकती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने खाई नहीं, वो भी खजूर दो टुकड़े करके बेटियों में बांट दी है। हजरत आयशा कहती है, देर तक हुजूर मेरी बात को सुनते रहे, देर तक मेरी तरफ देखते रहे, उस तसव्वुर को, बेटी के प्यार के उस जायके, देर तक महबूब महसूस करते रहे। और फिर फरमाया, आयशा जो दुनिया में बेटियों की वजह से आजमाया जाएगा, जब कयामत का दिन आएगा तो रब उससे हिसाब नहीं लेगा, बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा, अल्लाह फिर उससे हिसाब नहीं लेगा जो बेटी के सबब से आजमाया जाए। यानी हुजूर ने बाप को कहा कि बेटी को मुसीबत ना समझना, अगर कभी उसके मेके से झगड़े का पैगाम भी आ जाए, अगर कभी दोबारा तुझे उसकी तरफ पलट कर जाना भी पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह बेहतरीन सदका कौन सा है, हुजूर बेहतरीन सदका कौन सा है, वो मेरा माल जो अल्लाह के रस्ते में खैरात करूं तो रब मुझे ज्यादा अजर अता करे, वो कौन सा है? तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, अगर तेरी बेटी वापस लौट आई तलाक की वजह से या बेवा होकर वापस आ गई और तुझे उस लौटने वाली बेटी पर कुछ खर्च करना पड़ा, तो तेरे रसूल का वादा यह है कि अल्लाह तुझे उस रुपए पर सबसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा, उस पैसे पर अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा। इन्हें बोझ ना जानना, इनकी आजमाइशों पे परेशान ना होना, घर कभी बेटी का पैगाम आ जाए कि उसको फिर से ये तकलीफ हुई है, बाप समझने लगा था कि मैं तो फारिग हो गया, निकाह करके मैं फारिग हो, फिर अगर कभी उसे पैगाम आए तो मेरे मुस्तफा करीब ने फरमाया, वो परेशान ना हो, वो दुखी ना हो, बल्कि जो बेटी की वजह से आजमाया जाएगा उससे तो हिसाब ही नहीं लिया जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा देगा। इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी अजमत और फजीलत अल्लाह के रसूल ने